Assalamualaikum guys, welcome back to our channel. This is Zoran Akhtar and this is Zahir Abbas. तो क्या हाल चाल है आप सबकी, उम्मीद करता हूँ आप बहुत खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे। और आज जो मैं वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ वो रिक्वेस्टेड वीडियो है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियो है। और वीडियो का टाइटल तो आपको पता चल गया होगा, टाइटल देख के थंबनेल देख के अंदाज़ा हो गया होगा, लेकिन ये एक हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी, फिर मैंने फ़ौरन इसको डाउनलोड कर लिया था रिएक्शन के लिए, लेकिन लेट हो गए, टाइम नहीं मिल सका कुछ मसरूफियात की वजह से। तो आज इस वीडियो पे फाइनली मैं रिएक्शन लेके आ गया हूँ और वीडियो का नाम है किम तेयोंग अनरिलीज्ड इंग्लिश सॉन्ग। अब इसमें सब टाइटल्स इंग्लिश के साथ प्रोवाइडेड हैं, वो अलग बात है कि किम तेयोंग की सिर्फ पिक्चर लगी हुई है, बाकी सब टाइटल्स भी आ रहे हैं और उनके वोकल्स भी आ रहे हैं जो कि बहुत ही आउट क्लास हैं। तो मैं खुद चाह रहा हूँ कि वीडियो देखूं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी फेवरेट वीडियो पर रिएक्शन दें, जैसा कि आज हम देने जा रहे हैं। तो कमेंट करें, उसका लिंक हमें प्रोवाइड कर दें, कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दें या फिर हमारे इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहां प्रोवाइड कर दें। चलिए आप वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। किम तेयोंग, वी stand for victory. I
smoothly. He said, I love you. पहले खत्म कर दी बस इतनी ही है शायद इतनी ही है वीडियो ये वाली चलिए उम्मीद करता हूँ इन्होंने लिखा हुआ था 4.51 सेकंड्स की वीडियो है लेकिन वीडियो इन्होंने जल्दी खत्म कर दी 4.2 सेकंड पे खत्म कर दी 4.2 सेकंड पे खत्म कर दी कोई मसला नहीं कोई मसला नहीं मज़ा आ रहा था गाना सुनने का वोकल्स बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं इनके कुछ लोग कहते हैं जंगकुक मेन वोकलिस्ट हैं इनके BTS के लेकिन मेरे से अगर आप पूछें तो भाई मुझे तो इनके हर बंदे के वोकल्स बहुत पसंद हैं और जितना स्मूथली इन्होंने गाया लगे इनकी इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज नहीं है समटाइम्स इन लोग को प्रॉब्लम होती है इंग्लिश बोलने में क्योंकि ये लोग अपनी नेटिव लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो RM इनके जो मेन इनके लीडर हैं ग्रुप के तो वो ज़्यादातर इंग्लिश में बात करते हैं लेकिन जिस तरह इन्होंने इंग्लिश सॉन्ग गाया है मुझे बेसिकली मैं थोड़ा सा ना माइकल जैक्सन की याद आ गई है वो भी बहुत स्मूथली गाते थे इन्होंने बहुत स्मूथली बहुत अच्छे तरीके से गाना गाया मुझे पर्सनली भाई मैंने पहली दफ़ा इनका गाना कोई जो है ना इंग्लिश में सुना इंग्लिश में मैंने अपने अकॉर्डिंगली सब टाइटल्स के साथ प्रॉपरली जो कि स्मूथली अकेले ने गाया वोकल्स के साथ वो मैंने पहली दफ़ा सुना है और जिस सब्सक्राइबर ने ये वीडियो रिक्वेस्ट की थी मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा गाना मुझे बहुत पसंद आया अब मैं इसको दोबारा दोबारा सुनूंगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि आपकी किसी फेवरेट वीडियो पर हम रिएक्शन दें तो उसका लिंक हमें कमेंट कर दें तो ज़्यादा अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हमें इजाज़त दें तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड पीस।